हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल बोटनी में हमारा चल रहा था जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज पढ़ेंगे साइटोलॉजिकल एंड मोलिकुलर एनालिसिस ऑफ शेम। साइटोलॉजिकल एंड मोलिकुलर एनालिसिस एनालिसिस ऑफ शेम। शूटेपिकल मेरिस्टेम का साइटोलॉजिकल और मोलिकुलर एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है मेरिस्टेम, मेरिस्टेम्स क्या होते हैं? तो मेरिस्टेम्स क्या होता है? द मेरिस्टेम इज द क्लस्टर ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होता है। क्लस्टर्स ऑफ सेल्स दैट अलाउ द बेसिक बॉडी पैटर्न ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। And extended after germination. इनकी मेरिस्टेम्स क्या है? कोशिकाओं का समूह होता है, एक पूरे समूह के रूप में पाया जाता है, जो क्या करता है? अलाउ करता है किसको? बेसिक बॉडी पैटर्न्स को एस्टेब्लिश करता है। किसके दौरान? एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान। इनकी एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान भी क्या रहता है? इनकी बना रहता है, जो कोशिकाओं जो समूह है वो बनाकर रहता है, और क्या करता है? इनकी जर्मिनेशन को आगे कंटिन्यूसली बढ़ाता रहता है, इनकी एक्सटेंडेड आफ्टर जर्मिनेशन। इनकी जो जर्मिनेशन को क्या करता है? रेगुलर कंटिन्यूस आगे बढ़ाता रहता है। मेरिस्टेमिक सेल्स आर सिमिलर टू स्टेम सेल्स। नेक्स्ट, मेरिस्टेम्स स्टेमेटिक सेल्स आर सिमिलर टू एनिमल सेल। जो मेरिस्टेमिक सेल्स है किसके सिमिलर होती है? एनिमल सेल्स के सिमिलर रहती है। जैसे कि एनिमल सेल्स क्या करती है? बार बार जीवन इनकी विभाजित होती रहती है, इनकी दोनों ही जीवन भर क्या करेंगी? जैसे कि सेल डिवीजन होता है, इनकी कोशिकाएं क्या होती है? विभाजित होती रहती है। ऐसे ही एनिमल सेल्स में भी क्या होता है? प्लांट सेल्स भी क्या होती है? विभाजित होती रहती है। और एनिमल सेल्स की किससे तुलना करेंगे? प्लांट सेल्स से। इनकी प्लांट सेल को एनिमल सेल से तुलना करने पर क्या पाया जाता है कि प्लांट जो सेल्स होती है उनकी जो मेरिस्टेमिक सेल्स है वो क्या होती है? जीवन भर परसिस्ट रहती है, और आगे चल के इनकी प्लांट में भी जीवन भर विभाजित होती है। और मेरिस्टेमिक जो हायर प्लांट्स की बात करें, हायर प्लांट्स में भी जो मेरिस्टेमिक जो सेल्स है कुछ स्थानों पर परसिस्ट रहती है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कौन कौन सी? एपिकल मेरिस्टेम, दूसरी है लैटरल मेरिस्टेम, एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम।
किसकी बात हो रही थी, हायर प्लांटों के अंदर। अभी हमने बात की थी कि जो हायर प्लांट है उन उसमें मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स है कुछ स्थानों पर परसिस्ट रहती है, जैसे कि एपिकल इनकी ऊपर वाले पार्ट में, लेटरल साइड की ओर, और इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमिस्टिक कौन से होते हैं, ये किस में पाए जाते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम इसी मोलिकुलर एनालिसिस, इनकी जो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं कौन सी, शूट शैम, शूट एपिकल, इसकी फुल फॉर्म होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो सबसे पहले क्या पढ़ना जरूरी था, मेरिस्टेम्स क्या होती है, तो ये एपिकल आ गया, एपिकल मेरिस्टेम्स, यानी कि इसी का हम एनालिसिस और मोलिकुलर एनालिसिस, इनकी कौन सा, साइटोलॉजिकल और मोलिकुलर एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं, किसका, एपिकल मेरिस्टेम का। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा था, यानी कि ये जीवन भर क्या होती है, डिवाइडेड होती है, कुछ स्थानों पे परसिस्ट रहती है। नेक्स्ट आगे है, दे आर मेरिस्टेम्स की बात कर रहे हैं, दे आर डिवाइडेड टू गिव राइज, दे आर डिवाइडेड टू गिव राइज टू वन डॉटर, वन डॉटर सेल्स that continuous continuous to be meristematic continuous to be meristematic and another and another depth differentiated, depth differentiated। जैसे कि हमने बात किया था मेरिस्टेमेटिक सेल से क्या होती है, डिवाइड होती है, तो वन सेल्स तो क्या बनाएगी, डॉटर सेल्स बना लेगी, और दूसरी क्या बनाएगी, अनोदर सेल्स बनाएगी, अर्थात यानी कि वन डॉटर सेल्स तो क्या बनाएगी, यानी कि डिफरेंशिएटेड होती है और एक तो डॉटर सेल्स बना लेगी, इनकी किसकी तरह करेगी, जैसे कि मदर मेरिस्टेमेटिक थी उसी की तरह व्यवहार करना स्टार्ट करेगी, और दूसरी किसको बनाएगी, इनकी जो परमानेंट टिश्यू ऑर्गन्स को बनाती है, दूसरी क्या करेगी, परमानेंट ऑर्गन्स को बनाती है, जैसे कि परमानेंट टिश्यू को बना रही है, क्यों बना रही है, क्योंकि यदि दोनों ही क्या बनाएंगी, परमानेंट टिश्यू को बनाएंगी तो क्या हो जाएगी, जो मदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी वो क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी, इसलिए एक तो क्या बनाती है, डॉटर सेल्स बनाती है और दूसरी परमानेंट टिश्यू बनाती है, क्यों बनाती है, इनकी जैसे कि हम बात करें आगे चल करके परमानेंट टिश्यू निर्मित कर लेगी, क्योंकि मेरिस्टेमिक सेल्स को क्या नहीं करना है, डाई नहीं करना है, क्योंकि मदर जो मेरिस्टेमिक सेल्स है एक तो क्या बन रही है, एक तो डॉटर सेल्स कर रही है, जो मेरिस्टेम की सेल्स की तरह ही क्या कर रही है, व्यवहार कर रही है, और दूसरी किसमें परसिस्ट हो जाती है, परमानेंट टिश्यू के अंदर परसिस्ट हो जाती है। नेक्स्ट, मेरिस्टेम फॉल इनटू दियर थ्री कैटेगरीज, थ्री कैटेगरीज, कौन कौन सी कैटेगरीज है, अभी मैंने बात की, लैटरल सेकंड है एपिकल और थर्ड थी इंटरकैलरी कैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। ठीक है, तो जो हम किसकी बात करेंगे, इंटरकैलरी, ये तो किस में पाई जाती है, जैसे कि डायकोट्स वगैरह में है, लैटेरल तो किस में हो जाए, जो साइड में पाई जाएगी मेरिस्टेम्स, एपिकल वाली जो मेन पोर्ट है इनकी ऊपर की तरफ, इनकी जो प्लांट्स है प्लांट के टिप पे, इनके ऊपर के टिप्स के ऊपर पाई जाएगी, वो होगी एपिकल।
इंटरकैलरी, इंटरकैलरी किस में होती है, मोनोकोट्स में पाई जाती है। और मोनोकोट्स में जैसे कि हम इंटरकैलरी को हम देखना चाहें तो ये मोनोकोट में क्या होती है, स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी तरह से दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, जैसे कि हम बात करते हैं कि इनका मेन फंक्शन, इनकी इसका इंटरकैलरी का यदि मेन फंक्शन की बात करें तो क्या होती है, लीफ को इलोंगेट करती है। मतलब जैसे मोनोकोट की बात करते हैं, जैसे कि गेहूं लेते हैं, गेहूं की पत्तियां क्या होती है, बहुत ज्यादा लंबी लंबी होती है, और वो किसके कारण होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण ही होती है। क्या करती है, लीफ को इलोंगेट कर देती है, मतलब कि लीफ को बहुत ज्यादा बड़ा कर देती है। किसके कारण, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाई जाती है, उसी के कारण ही क्या होती है, लीफ लंबी होती है। किसके अंदर, मोनोकोट के अंदर। तो ये हो गया हमारा सारे। और हायर प्लांट के अंदर फॉर्म ऑर्गन्स होते हैं थ्रू आउट द, इनकी पूरे पूरे जीवन भर की बात करें तो ऑर्गन्स बनाती रहती है। कौन सी, मेरिस्टेमिक जो सेल्स होते हैं पूरे जीवन भर क्या बनाती है, ऑर्गन्स को बनाती रहती है। ड्यूरिंग प्लांट एम्ब्रियोजेनेसिस, ड्यूरिंग प्लांट एम्ब्रियोजेनेसिस ओनली ए बेसिक, ओनली ए बेसिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इज लेड डाउन विद विद ए रूट एंड ए प्लांट मेरिस्टेम एट द बेसिक एंड इट द बेसिस एंड एपिकल एपिकल पार्ट, एपिकल पोल बोल दो या फिर पार्ट, एपिकल पोल ऑफ द सीडलिंग, ऑफ द सीडलिंग्स रेस्पेक्टली Respectively. मतलब इनकी प्लांट एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान प्लांटों के अंदर दो टिप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं और इसके अंदर दो टिप्स होते हैं, एक तो होता है एपिकल पोल होता है और दूसरा होता है कौन का, बेसिक। इनकी बेसिस का मतलब इनकी जो बेस होता है आधार के ऊपर, इनकी नीचे जो एपिकल वाला पोल है वो तो किसको बनाएगा, एपिकल मेरिस्टम। और ये कौन सा बनाएगा, बशर, इसको एट द बशर, इसको बशर भी लिख दो या फिर बेस, बशर मेरिस्टेम। बशर वाला तो किसको बनाएगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम को बनाएगा, बशर पार्ट और ये एपिकल पार्ट, पोल बोलो इसको, मेरिस्टेम नहीं पोल या फिर पार्ट, बशर पोल। बसल पोल तो किसको बनाएगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम को बनाएगा। और ये जो ऊपर वाला है एपिकल पोल, एपिकल पोल किसको बनाएगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम को बनाता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। दोनों ही देखो, ऊपर की तरफ तो कौन सा पाया जा रहा है, रूट शूट एपिकल मेरिस्टेम पाया जा रहा है, और नीचे की तरफ इनकी जो बशल पोल के ऊपर वो कौन सा है, शूट रूट एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। और इसी का हम क्या पढ़ेंगे, शूट का, पहले किसका पढ़ेंगे, शूट का एनालिसिस और साइटोलॉजिकल मोलिकुलर एंड मोलिकुलर एनालिसिस पढ़ेंगे। थैंक यू।